एटी डिग्री ढलाव है तो मैं एकदम सीधा नीचे, अगर स्लिप किया पैर तो सीधा आप गिरोगे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड दिस इज सेकेंड डे। और आज हम लोग क्या करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये मैं मास्क और कैप पहन के आता है क्योंकि मैं पीछे तरफ जाता हूँ, मैं रोड नहीं जाता हूँ, ठीक है, इसलिए मुझे हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं पड़ता है। और रास्ता बहुत डेंजर है, देख सकते हैं खाली कोयला कोयला। अब पहुँचने वाले, चलिए आप लोग देख सकते हैं ये रास्ता कितना खतरनाक रास्ता है। और मेरा ड्यूटी यहीं पर है, कोयला कोयला मस्त है ना। एंड गाइज ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयमेंट हैं सारे लोग जितना यहाँ वर्क करते हैं यहाँ पर सब अपना बाइक वगैरह लगाते हैं। और ये अटेंडेंस रूम जिसको हाजिरी घर बोलते हैं, सो यहाँ पर इस जगह के सारे लोग यहाँ पर अटेंडेंस लगाते हैं, बट मेरा अटेंडेंस वर्कशॉप में होता है। देख सकते हो गाइस कितना कचड़ा है और आप मुझे इसमें ही चलना पड़ रहा है। दिक्कत तो हो रहा है बट ठीक है, सही। और यही तो यहाँ तक ज्यादा ही हो गया, ठीक है। एंड डे टू है, ये फर्स्ट डे हम लोग मोबिल और ग्रीसिंग किए थे, आज ये सेकेंड है, देखते हैं आज क्या मेंटेनेंस है। यार डर भी लगता है चलने में, दूर दूर तक माइंस। मतलब एक था अंदर से भी कि माइंस जाना है और आज माइंस में पहुंच गए, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बट हाँ रास्ता बहुत डेंजर है, रास्ता आप देखो, रास्ता बहुत डेंजर है। देखिए अभी तो और हम लोग ऐसे जाके ऐसे गोल घूमना है, ढलाव है पूरा, यहाँ बहुत धीरे धीरे चलना पड़ रहा है, पूरा 80 डिग्री ढलाव है तो मैं एकदम सीधा नीचे, अगर स्लिप किया पैर तो सीधा आप गिरोगे। तो पता नहीं बड़ा बड़ा हाईवे सब कैसे चढ़ता होगा यहाँ पर, खैर उन लोग का तो हैबिट हो गया होगा। यहाँ हमको डर सा लगता है उतरने में, बट हाँ हम लोग का जूता माइनिंग्स वाला जूता काफ़ी अच्छा दिया है, जिस वजह से थोड़ा ग्रिप बनता है और अच्छा है। एक गाड़ी आ रहा है गाइस, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखो कोयला वाला ही है, उसी पर कोयला लोड होता है, देखो ये रहा, इस पर ही कोयला लोड होता है गाइस। अभी ये डंपर जाएगा वहाँ जहाँ हम लोग का मशीन है, टाटा के पास आएगा मे बी, और वहीं पर कोयला लोडिंग होगा।
गाइस ये चढ़ाए तो गाइस बहुत भयानक चढ़ाए, देख सकते हो सीधा नीचे, सीधा नीचे है गाइस 80 डिग्री। पैर को बहुत संभाल के रखना पड़ रहा है। दो दो जा रहा है गाइस, दो, एक एक गया और एक और जा रहा है। तो इसी तरह मैं अपडेट देता रहूँगा हर दिन, हर डे डेली ब्लॉग चलेगा, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना गाइस, ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को, माइंस में कैसे काम होता है, कैसे यहाँ का रहना सहना है, एंड कैसे यहाँ का इन्वायरमेंट है, क्या नेचर है यहाँ का, कैसे ब्लास्टिंग होता है, सब मैं दिखाऊंगा आपको, आप लोग बने रहना। चलो ये देख सकते हैं यहाँ से आए और ये सारा मलबा निकला हुआ है, वेस्ट पार्ट, एंड ये पत्थर है, एंड इसी में कोयला भी है कुछ कुछ, अधिकतर पत्थर है, असली कोयला तो नीचे है। मैं आपको दिखाऊंगा असली कोयला कहाँ पर है। चलो सुबह सुबह चल रहा था, एक तो गाइस ये जूता इतना वेटेड है, थक जाते हैं जूता को उठा के चलने में, बहुत भारी जूता है, प्रमेटर थक गए, बहुत ज़्यादा थक गए गाइस। हमारा तो वो रहा टाटा हिटाची वो रहा वहाँ। एंड गाइस इस डे का नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा कि अब इसके बाद आगे क्या काम कर रहे हैं हम लोग। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं हम लोग ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। Thank you.